इलेक्ट्रिकल के विषय के बारे में बीएसएस एंड इंजीनियर साहब यहाँ पे हैं, वो उसके विस्तार से जो भी स्पेसिफिक पॉइंट भी हो, जो भी जनरल पॉइंट है उसको उत्तर देंगे। सफाई के बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड है एडिशनल रिसोर्सेस, जो मैं खुद भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे पर्याप्त संख्या में नहीं है। जितने ऑटो टिपर एंड ट्रैक्टर वाली होने चाहिए उतने हैं, और हमेशा ये स्पेशली ट्रैक्टर टोलिस के केस में, जैसे कि आप सब जानते हो कि जितना काम ऑटो टिपर करता है उससे कई गुना ज़्यादा काम ट्रैक्टर टोली करता है, और ज़्यादा उठाती भी है, ज़्यादा देर चलती भी है, ज़्यादा कंट्रोल में है वहाँ है साइड के कंपेयर टू ऑटो टिपर, क्योंकि ऑटो टिपर बाहर से आता है, थोड़ा लेट आता है, थोड़ा जल्दी चला जाता है, काफ़ी सारे उसमें अभी नए नए इशूज भी हैं, ENM के लोग आए हुए हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे। बट ट्रैक्टर टोलिस के केस में हमेशा ये देखा गया है कि एक तो प्रॉपरली लगाई नहीं जाती थी, कई सारे केस है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ट्रैक्टर टोली लगा दी लेकिन पाइप पे कोई सेंक्शन नहीं है, वो तीन तीन महीने चलती रही, पार्षद ने अपने रेट पे उसको लगाया, उसके बाद सेंक्शन ही नहीं, उसका पैसा ही नहीं मिला। तो ऐसे कई सारे विषय हुए थे, जब मैं आया था तो भी ये ऐसे ही था, क्योंकि 56 ट्रैक्टर टोली और पेपर चल रही थी जिसका एक साथ सेंक्शन होता था, और उसके अलावा 25 या 30 ट्रैक्टर टोली ऐसी थी कि जिसका एडहॉक सेंक्शन दिया था, मतलब महीने के बीच में दे दिया, उसका टाइम पीरियड अलग, वो 56 ट्रैक्टर टोली का टाइम पीरियड अलग, उसकी वजह से ये पता ही नहीं चल पा रहा था कितने ट्रैक्टर टोली लगी है, किसका कितना पेमेंट हो गया है, तो ये काफ़ी सारा कंफ्यूजन था। उसको खत्म करने के लिए फाइनली हमने फिर 77 ट्रैक्टर टोली जो टोटल आया था उसका एक साथ ही सेंक्शन निकाला था, और उसके बाद जनवरी से थोड़ा उस वजह से पेमेंट मिलने में भी काफ़ी दिक्कत नहीं आ रही, जनवरी फरवरी मार्च का मेरे ख्याल से सारे वार्डों के ट्रैक्टर टोली का पेमेंट हो गया। दूसरी दिक्कत आ रही थी जो एक साल से बहुत सारे बिल पेंडिंग थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, फाइल पे सेंक्शन नहीं, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट जो अपना काम उनका भी काम है कि प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चेक करना, तो जिसमें भी जो त्रुटि पाई जाती थी फाइल घूमती रहती थी, 4-5 फाइलों का गुठा बन गया। फाइनली किसी तरह से उसको रिजॉल्व करा के 4.5 करोड़ हमारे पास सेक्शन आया, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे महीनों का पेमेंट हुआ है लास्ट ईयर का भी, अभी भी अक्टूबर नवंबर का मेरे ख्याल से बाकी है, कुछ कुछ ट्रैक्टर टोली का उससे ज़्यादा भी बाकी है, लेकिन उसको भी हम टेकअप करेंगे इस मंथ में। लेकिन अभी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ये है कि मैंने एक आदेश निकाला था, लगभग सभी लोगों ने उसका पालन किया है, पर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैक्टर टोली के ऊपर अभी तक GPS नहीं लगाया गया है, जिसमें थोड़ा बहुत हमारे डिपार्टमेंट की गलती थी कि जिस GPS चाहिए थे वो बताए नहीं गए, कुछ अलग क्वालिटी के GPS लग गए जो हमारे कंप्यूटर के साथ मैच नहीं कर रहे, तो फाइनली फिर से बताया गया कि नहीं ये GPS नहीं वो GPS लगाओ, तो उसमें कई सारे SIs का या कई सारे ट्रैक्टर ट्रॉली ओनर्स का 8-10 हज़ार का उसमें नुकसान भी हुआ है। मैं नहीं कहूँगा इसमें हमारी गलती थी, बट फाइनली अब ये डायरेक्शन है कि किसी भी तरह से हमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर GPS बिठाना है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाहे आप जितना डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली मेंटेन करो, एक साल के बाद जब आप कागज चेक करने जाते हैं उसमें कोई ना कोई माइनस पॉइंट आपको मिल ही जाता है, उस टाइम तक SI चेंज हो जाता है, ASI चेंज हो जाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली चेंज हो जाती है, और उसके बाद जो एक साल से ट्रैक्टर ट्रॉली का पेमेंट ना होने का ही ये रीज़न था, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थे। तो अगर आप GPS लग जाता है और एक GPS की शीट आती है उसमें आपके वार्ड का नक्शा होता है, उस वार्ड में उस दिन कितना चला, कितने चक्कर लगाए, कितना किलोमीटर चला, यहाँ पूरे डिटेल्स आते हैं, कितने बजे आया, कितने बजे चला गया, तो इस वजह से वो मैनुअल जो डेटा एंट्री रखनी होती है वो नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप करवा लीजिए, बहुत सारे मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था 70 में से हमारे लगभग 40-42 ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर लग गया था। आप ये चेक कीजिए, अगर आपके वार्ड में अभी भी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसका लगा नहीं है मुझे आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीक में फिर से उसको एक बार बुला लूँगा और उसको हम लगवा देंगे। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमें इसके बाद प्रॉपरली उसका पेमेंट एंश्योर करना है, क्योंकि बहुत गलत बात है कि अगर कोई बंदा 3-3, 4-4, 5-5 राउंड लगाता है और 6-6 महीने से उसकी पेमेंट रुकी हुई है, एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली के होना मेरे पास आते हैं, ये चीज़ अगर दोबारा से नहीं होनी है तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। इसमें काइंडली इंश्योर कीजिए, कई जगह पे SIs भी मिसगाइड करते हैं कि मैडम हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप पर्सनली चेक कीजिए इसमें कि आपके वार्डों में ट्रैक्टर ट्रॉली में GPS लगा है कि नहीं,
और उसमें ये भी ऑप्शन है कि आपके मोबाइल पे भी आ सकता है, अगर आप चाहते हो तो मोबाइल के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, आप खुद भी देख सकते हो ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ भी खड़ी है। दोनों का उसका हेल्प हो जाएगा। इसमें जो मैंने कहा था 74 ट्रैक्टर ऑटो टिपर का हमने एडिशनल डिमांड दिया है और मोस्टली मेरे ख्याल से वो ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रोसेस कर लिया है एंड अगर वो आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 30% हमारी प्रॉब्लम उसी वजह से सॉल्व हो जाएगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो मेरे ख्याल से अगर ट्रैक्टर ट्रॉली ऑटो टिपर आने से भी सॉल्व नहीं होगा वो इशू है हमारा ढलाव का। आज की डेट में जब तक कुछ कुछ वार्ड है जैसे 4-4, 5-5 वार्डों का गुच्छा है जहाँ पे एक भी ढलाव नहीं है, तो जिसकी वजह से जैसे त्यागी जी ने कहा कि उनके वार्ड में पिंस आ जाए बड़े जो कवर्ड पिन है जहाँ पर आप कहीं रोड पर कूड़ा डल रहा है हम ऐसे पॉइंट को कुछ बिंस मेटालिक बिंस का मैंने ऑलरेडी एक बार प्रपोजल दिया था लास्ट टाइम भी ताहिर जी ने ये रखा था लेकिन मेरे ख्याल से उसमें कुछ हुआ नहीं है, फिर भी मैं फिर से उसको टेकअप करता हूँ। लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे हमने प्रपोजल रखे हुए हैं भोपोली DDA से या दिल्ली जल बोर्ड जहाँ से भी जमीन मिली थी वो मिल जाएगी वहाँ पे ढला आके बन जाते हैं तो कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अब जो ढलाव बनेंगे वो पुराने तरीके से नहीं बनेंगे जिसमें ढलाव का एक्सेस डायरेक्टली रोड पे होता था डायरेक्टली रोड पे कूड़ा आता था। आपने जो नए ढलाव देखे हैं देखे हुए हैं उसमें उस आगे वॉल खड़ी की जाएगी और एक्सेस इस तरीके से बनाया जाएगा कि रोड से वो विजिबल भी ना हो और रोड पे ना फैले। जो भी कुछ नए ढलाव बने काफ़ी बड़े साइज के बने हैं तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ लेकिन जहाँ जहाँ एक तो जमीन हमें मिल नहीं रही है IMDFC से कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी जल बोर्ड से करनी पड़ी DDA से करनी पड़ी और कई सारी जगहों पे चेयरमैन जी ने भी हमारा हेल्प किया है जमीन ऑपरेट करने में। अभी मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ हमें ये मिल जाएगा NOC। अगर मिल जाता है तो मुझे एक रिक्वेस्ट है कि कई सारे जगहों पे एक्सचेंज से भी ये आता है कि जब तक ढलाव नहीं होता तब तक ढलाव की डिमांड होती है, जब तक जब ढलाव सैंक्शन हो जाता है जमीन मिल जाती है तब कोई ना कोई वहाँ पे अपोज करने पहुँच जाता है, तो मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। जब तक ढलाव नहीं बनेंगे तब तक उस एरिया का सैनिटेशन सुधरेगा नहीं, चाहे आप जितने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाइए चाहे आप जितने उसमें ऑटो टिपर लगाइए वो मतलब जो ऑटो टिपर काम करते हैं हमारे 3 बजे तक 3 बजे के बाद भी इतना कूड़ा आता है कि ऐसा लगता है कि 2 दिन से वहाँ सफाई नहीं हुई इतना कूड़ा आता है। जैसे स्पेशली आपका जो साइट था वजीराबाद रोड की वो हाईकोर्ट में दिखाई चीफ जस्टिस के सामने वो साइट दिखाई मैंने वहाँ पे बताया कि सर ये ओपन साइट है डेली क्लीन होती है बट वहाँ पे कमेंट ऐसे आए हैं कि ये तो 10 सालों में कभी क्लीन नहीं हुआ होगा वहाँ पे गाय घूम रही है इतना कूड़े की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि कोई इमेजिन ही नहीं कर पाता कि 3 बजे के बाद भी इतना कूड़ा आता हो। तो डेली लगा देंगे लेकिन वो पॉइंट तो हमने फिनिश कर दिया है बट ढलाव जब तक नहीं बनते तब तक ये पूरा समाधान नहीं निकलेगा। दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरा एक पब्लिक टॉयलेट्स का मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, पब्लिक टॉयलेट्स में हर 15 दिन में मैं मीटिंग करता हूँ हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ और इलेक्ट्रिकल प्लस एक्शन के साथ। कई सारे जगहों पे हमने परसू कर करके BSS के थ्रू कनेक्शन लेके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिए हैं, कई सारे जगहों पे प्रेशर की प्रॉब्लम आती है दिल्ली जयपुर से पानी का प्रेशर नहीं आता है तो उसमें कुछ पंप वगैरह लगाने के लिए भी हमने अरेंजमेंट किया है बट फिर भी कई सारी जगह अभी भी बची हुई है। तो हमारा जो सर्वे आया है उसके हिसाब से तो मैं रिव्यू करता रहता हूँ बट आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन सर कि आप जो पार्षद हैं उनसे मैं लिस्ट अप्लाई कर दूंगा जो भी हमारे टॉयलेट्स हैं उसमें आप अपनी तरफ से क्योंकि मेरे यहाँ पे तो आ जाता है कि भाई वाटर कनेक्शन यस इलेक्ट्रिसिटी यस सीवेज यस और फुल्ली फंक्शनल लेकिन उसकी ऑन ग्राउंड क्या हालत है उतना अच्छे से रन कर रहा है ये लोग आपसे भी अगर एक बार उसका सर्वे होके आ जाए क्योंकि हर वार्ड में 4-5 टॉयलेट है अगर है नहीं है फिर इसका बारे में मिलेगा सर्वे पेपर बनाकर हम वो पार्षद को दें पार्षद अपने यहाँ से हर महीने एनओसी देगा हमें रियल ग्राउंड आ जाएगी। आप डायरेक्टली एक ऐसा करके मुझे दें मेरे माध्यम से सभी पार्षदों को चला जाएगा चेयरमैन ऑफिस के माध्यम से और या SI के माध्यम से चला फार्म ही तो जाना है SI के माध्यम से चला जाए आप उसको आप SI से कोई लेते नहीं पार्षद अपने आप क्लियरेंस देगा उसको तो दोनों पे क्रॉस पता लग जाएगा। ठीक है तो इसमें कई 4 या 5 लास्ट टाइम मैंने चेक किया था जहाँ पे BSS ने अभी तक कनेक्शन नहीं दिए थे BSS के लोग अभी यहाँ पे हैं मेरे ख्याल से वो ये सब्जेक्ट डील नहीं करते होंगे
फिर भी मैं सेपरेटली टेकअप करता हूँ उनके साथ, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्शन लेने के लिए दूर है वहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ पे भी 28 तारीख तक होने का बुलग है वहाँ पे कनेक्शन। तो वहाँ जैसे कनेक्शन लगते हैं वहाँ पे मोटर और पंप लगा के वहाँ पानी की व्यवस्था करने के लिए बोला गया है, लेकिन फिर भी हमारे चैनल से जो इन्फॉर्मेशन आती है मुझे लगता है कि एक बार पार्षदों के थ्रू भी ये हम वेरीफाई करा देते हैं। मेरे पास जो लिस्ट है मैं आपको सप्लाई करूँगा, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद कुछ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कुछ कुछ अधिकारियों के बारे में कुछ कुछ कंप्लेंट आई है, लास्ट टाइम भी कंप्लेंट आई थी, उसके बाद मैंने उनको सरेंडर कर दिया था, बट आई नो कि उसके बाद फिर से उनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट है मेरे पास जरूर लॉज कीजिए, उसमें किसी भी अधिकारी अगर गलत कर रहा है उसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। जहाँ पर भी पार्षद ने कंप्लेंट की है, ताहिर हुसैन जी के वार्ड में भी कंप्लेंट थी, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया, डिसएंगेज कर दिया। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्शन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे भी आपसे आए हैं मुझे इनपुट, मैंने उसमें मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। हो सकता है एक दो जगह पे एक्शन नहीं हो पाया हो, इसलिए जो डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा कि जहाँ पे, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि फिर उनका जो रिप्रेजेंटेशन आता है कोई कोर्ट में चला जाता है उस केस में कि विदाउट हैविंग वैलिड एविडेंस मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि उसका भी जॉब का जो अधिकार है उसमें फिर हमारे लिए डिफेंड करना कई बार मुश्किल हो जाता है, और कोर्ट भी हमारे खिलाफ एडवर्स व्यू लेते हैं कि आपने विदाउट इंक्वायरी विदाउट प्रॉपर एविडेंस आपने इसको यहाँ से सस्पेंड क्यों किया या उसके ऊपर क्यों एक्शन किया। तो जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस आ जाता है वहाँ तो इमीडिएटली आई विल टेक एक्शन, बट जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ शेडी कैरेक्टर्स है तो उसमें हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उनको वहाँ से बाहर भी भेज सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं किसी को भी इस मामले में ना प्रोटेक्ट करता हूँ ना आगे भी प्रोटेक्ट करूँगा, एक बार मैं पूरा पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ। अभी कुछ विषय है मेरे ख्याल से, पहले इलेक्ट्रिकल से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेन का इम्पोर्टेंट विषय बिल्डिंग का जो इशू आया है उसके लिए सीलिंग का पहले आपको क्या करना है। जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पीएमसी एक्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, उसके बाहर जाके डीसी लेवल में काम नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई एग्जेंप्शन लेना है, पीएमसी एक्ट सर 25,000-50,000 जज के लिए ही क्यों है, ऊपर वालों के लिए क्यों नहीं है? मैं आपको फोटो देता हूं, कितने चाहिए बताइए। नहीं, अगर ऐसे हैं तो और वो बिल्डिंग चार एंट्रेंस पर बन गई, उसमें शटर लग गए, काम चालू हो गए, तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, उनके हो गए, ये तो इलाहाबाद रोड पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनी, उनका ऊपर मेंशन कराएंगे। आई हो रहे स्पेसिफिक बात रोड पे हरनाम पहले से पूरी थी, अभी आप दे दीजिए स्पेसिफिक, बट उसमें जो मेरे विदिन माय पावर्स नहीं है, अगर उसमें अगर आप इस तरीके से फॉलो क्वेश्चन करोगे तो उसका कोई जवाब तो है नहीं मेरे पास। अगर आप बोलोगे इसमें लिए कौन सा अलग कायदा है, ऐसा तो है नहीं। अगर किसी हमारे अधिकारी ने काम नहीं किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, बट जो पावर डीसी के पास है ही नहीं उसको एक्सेप्ट कर, तो वो पावर आप अगर करने के लिए कहोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, मेरे ख्याल से अभी एक एक डिपार्टमेंट से हम स्टार्ट करें। एक पेंडिंग इशू, जैसे आपने बोला कि गाड़ियों का इशू आया है, काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं 10 मिनट में उनको भी एड्रेस करके आ जाता हूँ, तब तक एक एक विषय स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उनके स्पेसिफिक विषय बताएं, उसके बाद हमारे जो आप उनको देख लीजिए। मैं एक